गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज जो भी मैंने लॉजिक फैमिलीज में हमने टी आरटीएल एल डी पढ़े उनका ये कंपैरिजन होगा तो इफ अगर आपको सपोज वर्किंग नहीं भी याद है या मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस आ जाता है कि राइट डाउन द कंपेरिजन ऑफ टीटीएल एंड सीमोस या गिव द कंपेरिजन टेबल ऑफ लॉजिक फैमिलीज तो ये आपको हेल्प करेगी ठीक तो एट दिस एक्सेस यहाँ पे मैंने लिए हैं नेम ऑफ लॉजिक फैमिलीज जिसको मैं यहाँ पे मेन कॉमनली यूज होते हैं उनके नाम है इधर मैंने उनकी प्रॉपर्टीज ली हैं कि किस प्रॉपर्टी का हमने कंपैरिजन किया है आपको फोर फाइव भी याद होंगी तो दैट्स दैट फॉर योर फाइव मार्क्स क्वेश्चन ठीक है तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर है आरटीएल आरटीएल इज द रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ठीक रिमेम्बर आरटीएल इज द रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक डीसीटीएल इज द डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक डीटीएल इज द डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक टीटीएल इज द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक इसमें हमने तीन पढ़े थे ओपन कलेक्टर टोटमपोल एंड ट्राई स्टेट ठीक है एंड शॉर्ट की टीटीएल भी होता है फोर टाइप्स डी टी एल होते हैं ईसीएल इज द एमिटर कपल लॉजिक एंड आई आई एल और ऑल्सो नोन एज आई स्क्वायर एल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक रिमेम्बर इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक एंड एच टी एल इज द हाई थ्रिशोल्ड लॉजिक एच टी एल इज द हाई थ्रिशोल्ड लॉजिक मॉस आपकी फैमिली जो मॉस फॉर मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं इसमें आपका पी मॉस भी हो सकता है एन मॉस भी हो सकता है एंड नेक्स्ट इज द सी मॉस कॉम्प्लीमेंटरी मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स ठीक है ये हमारे होगी प्रॉपर सारे नेम्स जो लॉजिक फैमिलीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे नाउ बेसिक गेट्स अब वन मोर थिंग आरटीएल इज वर्क इन नॉन सेचुरेटेड रीजन डीसीटीएल वर्क इन सेचुरेशन डीटीएल वर्क इन सैचुरेशन टीटीएल टीटीएल में आपके जो थ्री टी टी एल्स होते हैं मीन्स की ओपन कलेक्टर एंड ट्राय स्टेट ये तीन जो होते हैं सेचुरेशन में वर्क करते हैं बट सॉर्ट की टीटीएल जो होता है वो आपका सेचुरेशन में वर्क नहीं करता है ईसीएल इज ऑल्सो नॉन सेचुरेटेड लॉजिक फैमिली फिर है आपका मॉस मॉस इन सी मॉज ऑल्सो नॉन सेचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिक गेट आरटीएल का जो बेसिक गेट है वो नोर है डीसी का नॉर है नैंड डीटीएल डीटीएल का नैन, टीटीएल नैन, ईसीएल के पास टू आउटपुट्स होते हैं वन फॉर और सेकेंड फॉर नॉर, आई स्क्वायर एल का जो बेसिक गेट होता है दैट इज नॉर, एचटीएल का बेसिक गेट इज नैंड मॉस का बेसिक गेट इज नैंड सी मॉस का जो बेसिक गेट्स होता है वो आपके नॉर भी हो सकता है एंड नैंड भी हो सकता है हम बस उसकी डिजाइनिंग में रिवर्स ऑफ करते हैं और वो हमारे बन जाते हैं ठीक नाउ व्हाट इज द मेन कम्पोनेट्स आरटीएल मेन कम्पोनेट्स है आर फॉर रजिस्टेंस टी फॉर ट्रांजिस्टर रजिस्टेंट एंड ट्रांजिस्टर्स डीसी में रजिस्टेंस एंड ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन फिर डीसीटीएल में डी मीन्स की डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक डी फॉर डायोड तो यहां पर हमारा डायोड रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर नाउ टीटीएल टीटीएल का जो मेन कंपोनेंट है रजिस्टर ट्रांजिस्टर और डायोड बेसिकली टीटीएल इज द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक जब हम ओपन कलेक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमारे ट्रांजिस्टर और रजिस्टर यूज होते हैं जब हम टोटम पोल की बात करते हैं जो आउटपुट पे टू ट्रांजिस्टर्स होते हैं क्यू थ्री एंड क्यू फोर उसके बीच में हम वोल्टेज डिवाइडर के लिए एक डायोड यूज करते हैं दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डायोड यूज किया है सेम अगर हम ट्राई स्टेट के लिए यूज करते हैं तो जब हम इनेबल को कनेक्ट करते हैं तो भी हम डायोड का यूज करते हैं तो इफ यू राइट आर एंड एनफ़ बट अगर आप डी लिखते हो तो भी गलत नहीं है बिकॉज़ यूज होता, सिर्फ सिर्फ होता है कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं यूज हो रहा है पैसिव या डायोड्स नहीं यूज हो रहे हैं एच में आपका क्या होगा रजिस्टेंस होगा ट्रांजिस्टर होगा और डायोड जो यूज होगा दैट इज जीनर डायोड याद रखना है कि एच टी में जो आपका डायोड है दैट इज जीनर डायोड ठीक नाउ मॉस के जब आप लॉजिक फैमिलीज की बात करोगे तो इट कैन बी पी मोस और एनमोस डिपेंड्स कि आप पी मोस नैंड बना रहे हो नॉर बना रहे हो डिपेंड्स एंड सी मॉस के केस में आपके जो जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे नॉर का नैंड का और इन्वर्टर का उसमें आपका पी मोस और एनमोस दोनों ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सी मोस कॉम्पलीमेंटरी मॉस Transistors okay. Now, next property is fan out uh, RTL have five. डीसीएल की फोर डीटीएल की एट एंड टीटीएल की हाई फैन आउट है हाई फैन आउट है टेन टू ट्वेंटी बट सबसे हाई फैन आउट किसका है सी मॉस का ठीक है ईसीएल की ट्वेंटी फाइव और आई स्क्वायर एल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बिकॉज दैट इज डिपेंड ऑन कितनी आप उसमें करंट को इंजेक्ट करते हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एचटीएल टेन एंड मॉस की ट्वेंटी ठीक तो यू कैन सी हाईएस्ट अगर आप फैन आउट की बात करें तो किसका हो गया सी मॉस का ठीक है मीन्स की नंबर ऑफ गेट जो आउटपुट पर कनेक्ट होंगे विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ डेट सर्किट वो आपका CMOS में सबसे ज्यादा है नो पावर डेसिपेशन जो हम यहाँ पे पावर डेसिपेशन की बात करेंगे ये हमारे गिवन है इन मिली वॉट पावर है तो वॉट में होगी और उसकी वैल्यू क्या है मिली वॉट में पर गेट ठीक है तो आरटीएल की है ट्वेल्व मिली वॉट डीसी टीएल थर्टी डी टीएल टू ट्वेल्व आपका टीटीएल में टेन एंड ईसीएल में फोर्टी टू फिफ्टी फाइव आई एल में सिक्स वॉट टू सेवेंटी कि इसमें बहुत ही कम पावर लॉस पावर डिसिपेशन होता है एस टी एल फिफ्टी फाइव एंड मॉस में पॉइंट टू टू टेन मिली वॉट में ही है एंड सी मोस्ट में पॉइंट जीरो वन तो हाइएस्ट अगर आप बात करो हाइएस्ट पावर डिसिपेशन किस में हो रहा है तो वो हो रहा है हमारे एच टी एल में ठीक है यहाँ पर हाईएस्ट एच टीएल में है सेम फैन आउट हाइएस्ट में था सी मॉस में था अगर हम नॉन सेचूरेटेड की बात करें अगर सेचुरेटेड की बात करें तो हाइएस्ट हमारा किस में था में ठीक है अब यहाँ पे टेन टू ट्वेंटी लिख रखा है बिकॉज हम थ्री टू फोर टाइप्स के डिटेल्स पढ़ते हैं इसलिए वो डिपेंड्स करता है टेन से ट्वेंटी की रेंज में होते हैं ठीक नाउ नॉइज इम्यूनिटी नॉइज इम्यूनिटी जो आपकी आरटीएल है स्टिक इज नॉइज इम्युनिटी तो आरटीएल की नॉइज नॉइज इम्युनिटी नोमिनल है डीसी टीएल की पुअर है डीटीएल इज गुड आरटीएल की वेरी गुड है एंड ईसीएल आल्सो पुअर पुअर एचटीएल की एक्सीलेंट है नॉइज इम्युनिटी एक्सीलेंट किसकी है एचटीएल की ठीक मोस की गुड और सी मॉस की वेरी गुड ठीक है तो सबसे बेस्ट किसकी होगी एच टी एल की आप याद रख सकते हो एच फॉर हाई मीन्स की हाइएस्ट नॉइज इम्यूनिटी देन आपके जो टी टी एल है एंड सी मोस है इसकी वेरी गुड है फिर डी टी एल जो है एंड मॉस है दिस इज गुड और जो डीसीटीएल है और सीएल है इनकी नॉइज इम्यूनिटी बहुत ही पुअर है ठीक नाउ प्रोपोगेशन डिले प्रोपोगेशन डिले मीन की इफ योर डिले इफ डिले ऑफ गेट इज हाई तो उसकी स्पीड क्या होगी स्लो होगी ठीक है तो यहाँ पे जो प्रोपेगेशन डिले दे रखे हैं इनकी यूनिट क्या है नैनो सेकेंड्स पर गेट एवरी गेट का नैनो सेकेंड में ठीक है तो फॉर आरटीएल दिस इज ट्वेल्व नैनो सेकेंड पर गेट डीसी टीएल टेन है डी टी एल थर्टी है टी टी एल टेन है ठीक है अब ECL की क्या है टू आई स्क्वायर एल की ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू टू फिफ्टी एच टी एल नाइनटी मॉस की थ्री हंड्रेड एंड सी मोस की सेवेंटी सबसे बेस्ट किसकी है ईसीएल की स्पीड सबसे फास्ट हो गई बिकॉज प्रोपोगेशन डिले इसका बहुत ही कम है इट्स वेरी लो प्रोपेशन डिले लो है मीन्स की दिस इज द फास्टेस्ट Ecl आपका फास्टेस्ट हो गया और ये इसका प्रोपोगेशन डिले क्यों कम होता है बिकॉज ये हमारा सेचुएशन में नहीं जाता है इस पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वीसीसी वाले पॉइंट पे वहां पर हम ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और जो ग्राउंड वाले कनेक्ट पे हैं माइनस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और रेफरेंस भी हम माइनस में लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया मिनिमम इसका प्रोपेगेशन डिले है मींस कि दिस इज द फास्टेस्ट बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसकी नॉइज इम्यूनिटी बहुत ही पुअर है ठीक नेक्स्ट नाउ स्पीड पावर प्रोडक्ट ये हमारी जो इसकी यूनिट है दैट थर्टीन हंड्रेड डी टी एल इज थ्री हंड्रेड टी टी एल इज हंड्रेड इसीएल इज हंड्रेड एंड आई स्क्वायर एल की क्या है लेस देन वन फिर आपका मॉस का सिक्सटी एंड सी मॉस की सेवेंटी नाउ क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्लॉक रेट कि जो आप उस उसपे क्लॉक पल्स अप्लाई करते हो उसको ऑन करने के लिए वो क्या वैल्यू है दिस इज इन मेगा हर्ड्स ये जो वैल्यूज गिवेन है सारी की सारी मेगा हर्स में है फॉर आर टी एल एट फॉर डी टी एल थर्टी टू डी टीएल थर्टी फाइव और ईसीएल के जो हम क्लॉक फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं दैट इज ग्रेटर देन सिक्सटी एस टी एल के लिए फोर मॉर्स के लिए टू एंड सी मोर्च के लिए टेन थैंक यू सो मच